हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल आरईसी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक। के इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। एक नवंबर की डेट है, 1 नवंबर 2020 की। और लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। पहला पहला जो फैक्ट है वो है कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में 1006 मारने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? पहले क्रिकेटर कौन है? वो है क्रिस गेल। ये भाई साहब यहाँ पे हैं, ये फोटो इनकी देख सकते हैं, काफी हंस रहे हैं। और अगला अगला जो दूसरा दूसरी न्यूज है वो है कि राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब से मनाया जा रहा है? ये 2014 से मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी, ऑफ सरदार पटेल। अभी 2020 की इनकी 145वीं एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी पुण्यतिथि है। ठीक है, अगला तीसरा मालाबार एक्सरसाइज न्यूज में क्यों है? नौसैनिक, एक्चुअली नौसैनिक नौसैनिक एक्सरसाइज, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास। इसका जो पहला स्टेज है, फर्स्ट फेज है, पहला चरण कब है? 3 से 6 नवंबर को आयोजित होना है मालाबार एक्सरसाइज में। ठीक है, ये कहाँ होना है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें आते हैं? एक आता है आपका इंडिया, इंडिया, ठीक है, यहाँ पर हम देश लिख रहे हैं कौन कौन से हैं। इंडिया, जापान, यूएसए, और इस बार आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। अभी तक केवल तीन ही थे, तीन देश ही थे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चारों देश जो हैं क्वाड के मेंबर भी हैं। क्वाड क्वाड इसकी इसको इसको इसका दूसरा नाम है डायलॉग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है क्वाड का, क्वाड के। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि ये हो सकता है क्वाड एक डिफेंस पैक्ट भी बन जाए। इसकी कोशिशें चल रही हैं डिफेंस पैक्ट की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे खबर, रंजना कला। रंजना कला इनको उत्तराखंड, यानी कि यूके, उत्तराखंड के प्रधान मुख्य संरक्षक, वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल, एक
लॉन्च हुआ था, कोरोना वायरस के रिलेटेड था ये, ठीक है। एक होप जो पोर्टल है, होप पोर्टल भी यूके ने, उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया था, ये बेरोजगार युवाओं से रिलेटेड है, ठीक है। पहला जो लाइकन पार्क है, पहला लाइकन पार्क वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही। होप पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, IIFFB अवार्ड से रिलेटेड है 2020। इसका मतलब है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। ये इसमें लाइफ टाइम अचीव, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था किनको, ओम पुरी को, मरण प्रांत, ठीक है, इनकी वाइफ को दिया गया बेसिकली, ये नंदिता पुरी, इन्होंने इसको रिसीव किया है। भारत भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कहाँ है, हुगली नदी के किनारे, जो सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। और अगला पॉइंट क्या है, आनंदीबेन पटेल, इन्होंने बाय बाय कोरोना नाम की बुक, जो विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक है, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक, साइंटिफिक बुक, पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना नाम से है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात स्टेट की, महिला सीएम गुजरात की, वर्तमान में यूपी और एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। वो है रेलवे सुरक्षा बलों ने यानी कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है, मेरी सहेली नाम से, मेरी सहेली नाम से एक पहल है ये शुरू की है, ठीक है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी रेलवे, अब ये पूरे भारत में हो गई है। किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक नीति, किस राज्य ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लागू की है, वो है तेलंगाना। ठीक, कौन है, तेलंगाना। इसके पहले किसने की थी, सबसे पहले दिल्ली ने, इसके बाद गुजरात। अब होता क्या है न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी में, तो जो रूट टैक्स है भरना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये अब नहीं लगेगा आपका अगर आप न्यू इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के तहत वाहन ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन ले रहे हैं, ठीक है।